ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने एक बड़ा आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए अदालत ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। अदालत ने सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से भी इनकार कर दिया है। आपको याद दिला दें कि 6 से 10 मई के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध करते हुए सर्वे नहीं करने दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अजय कुमार मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे और पूरे मस्जिद परिसर का दोबारा सर्वे होगा। इस सर्वे की रिपोर्ट 17 मई से पहले सौंपनी होगी। बहरहाल अब इन सभी के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की मूर्ति को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नंदी महादेव की सवारी है। नंदी की मूर्ति दुनिया के किसी भी मंदिर में हो, उनका चेहरा शिव जी की तरफ ही होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। हमेशा से इस बात की चर्चा होती रही है कि आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद नंदी मूर्ति का मुंह विपरीत दिशा में क्यों है। इस तस्वीर में आप काशी विश्वनाथ परिसर में मशहूर नंदी की मूर्ति देख रहे हैं। तस्वीर में दिख रही नंदी की मूर्ति हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करती है, क्योंकि नंदी का मुंह मस्जिद परिसर की ओर है। हिंदू पक्ष का कहना है कि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर होना ये बताता है कि ज्ञानवापी परिसर पहले मंदिर ही था। कुछ इतिहासकार भी बताते हैं कि नंदी का मुंह ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ होना एक बड़ा सिग्नल है। जानकारी दे दें कि औरंगजेब की सेना जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाई, तब उसने मंदिर के बाहर बैठे विशाल नंदी की मूर्ति पर हमला कर दिया। मूर्ति पर खूब हथौड़े चलाए गए, खूब प्रहार किए गए, पर नंदी अपनी जगह से हिले नहीं। तमाम प्रयासों के बाद औरंगजेब की सेना हार गई और नंदी को उन्हीं की जगह छोड़कर चली गई। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।